नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं सूर्य को अर्घ किस तरह से दें और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य को अर्घ चढ़ाने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है, जिसका आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समाधान करने जा रहा हूँ। जो कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई है, उसमें जो सूर्य को अर्घ देने को लेकर समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं, उसमें से एक भ्रांति यह भी कहा जाता है कि अगर किसी कुंडली में सूर्य उच्च के हो, उस व्यक्ति को सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए, उससे सूर्य का तेज कम हो जाएगा, यह बोला जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सूर्य को अर्घ हर किसी को देना चाहिए। जीवन में सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब संसार में प्रकाश नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं होगा। चाहे सरकारी नौकरी हो, सफलता हो, यश, मान, कीर्ति या अपने द्वारा किए गए कार्य का जो यश प्राप्त होता है, इसके लिए सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता होती है। जीवन में हर किसी व्यक्ति के लिए सूर्य की आराधना अत्यधिक आवश्यक है। अभी जो समाज में एक भ्रांति और फैली हुई है कि सूर्य को अर्घ घी से देना चाहिए। अगर जल से अर्घ देंगे तो सूर्य शांत हो जाएंगे, उनकी कुंडली में जो उसका तेज है वह कम हो जाएगा। तो यह मैं आपको बता दूं कि इस धरती पर जल एक अनमोल चीज है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और सूर्य को जो अर्घ देना चाहिए वो हमेशा जल से ही देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में प्रकृति द्वारा दी गई एक अनमोल जो धरोहर है, हवा के बाद जल ही है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता। अगर आप घी से देंगे भी तो कितने घी से देंगे, या देना है लोटा भरकर घी से दीजिए, वह हर किसी के लिए संभव नहीं है। प्रकृति द्वारा जो अनमोल धरोहर हमें दी गई है, उससे अच्छा क्या हो सकता है जो भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अर्घ को किस तरह से दें। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? मुक्त हस्तेन दातभ्यम मुद्रांग तत्र नकारिये, मतलब आप हाथ में तांबे का जो बर्तन होता है, वह अगर तांबे का लोटा हो तो वह बहुत उत्तम है। आप हाथ को इस तरह से रखिए, लोटे को, ये जो दो अंगूठे हैं उनको स्पर्श ना करें और ना अंगुलियों से सटे हुए हों। इस तरह से लोटा पकड़िए और ऐसे आप अर्घ दे सकते हैं। यह इसका शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, आप अंगूठे को अलग कर कर ना अंगुलियों से सटा कर रखें, आप अर्घ दे सकते हैं। सर्वप्रथम आप अगर अर्घ देने के लिए कभी भी हो सके, अगर संभव हो तो नदी में जाकर आप अर्घ दें, वो सर्वोत्तम माना गया है। अगर यह संभव नहीं है, आप घर पर जहां पर भी अर्घ देते हैं, तो सर्वप्रथम आप उसे पानी से साफ कर लीजिए। जहां पर आप खड़े होंगे वहां पर पानी से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसके बाद आप अर्घ दें। और अर्घ देने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। अंगूठा उसमें सटा हुआ ना हो उंगलियों में, और लोटे पर भी उसका स्पर्श ना हो, आप इस तरह से अर्घ दीजिए, 3 अर्घ दें। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कब देना चाहिए। सूर्य को अर्घ कभी भी हो, जब सूर्य उगता है तो प्रकाश में उससे पहले लालिमा छा जाती है, पूरब दिशा में लालिमा छा जाती है, उस समय अगर जो भी अर्घ देता है वो सर्वोत्तम है। अगर उस समय आप ना दे पाए तो सूर्य उदय के 1 घंटे के अंतराल में आप अर्घ दे दीजिए, और इसके बाद अगर आप अर्घ देते हैं तो उसके परिणाम हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सूर्य उदय होने से पहले जो लालिमा छा जाती है, उस समय आप अर्घ को दे सकते हैं, नहीं तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर में आप अर्घ को दें। अगर किसी कारणवश इस समय में आप अर्घ न दे पाए तो न करने से कुछ करना बेहतर है, तो आप उसे बाद में भी आप अर्घ को छोड़िए मत, अर्घ जरूर दीजिए। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप कभी लेट हो जाएं तो उसके लिए 4 अर्घ देना चाहिए,
तीन अर्घ तो वैसे भी दिया ही जाता है, एक जो चौथा अर्घ होता है वो प्रायश्चित अर्घ होता है। एक अर्घ देने के बाद आप कान में हाथ लगाइए, माफी मांगिए अपनी गलती की, उसके बाद तीन अर्घ फिर दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप रोज लेट देंगे और उसके बाद कान छुएंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति। मैं ये उस दिन के लिए बोल रहा हूं अगर आप कभी लेट हो जाएं, किसी एक आध दिन अगर लेट होते हैं तो उसके लिए यह आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो जल होता है उसमें क्या क्या डालना चाहिए। जो सूर्य को अर्घ देने के लिए हम जल इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या डाल के हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सूर्याधिमुख स्थिष्ठम गंधाक्षत पुष्प युक्तानि त्रिण्यार्घ्य अर्घम दधात, मतलब पूरब दिशा की ओर मुंह कर कर उसमें जो पानी है उसमें गंध अक्षत, गंध मतलब चंदन, अक्षत और पुष्प, लाल पुष्प आप उसमें डालकर तीन अर्घ सूर्य को दें। और उस समय जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वह मंत्र ओम ब्रह्म स्वरूपिण्ये श्री सूर्य नारायणाय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अगर पुरुष जातक है तो वह गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो यह जो सूर्य को अर्घ देने के लिए जो भ्रांतियां फैली हुई थी उसका कुछ हद तक आपको निवारण मिला होगा और यह आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी में हवा और जल से अनमोल चीज कुछ भी नहीं। तो इसलिए कभी भी सूर्य को अर्घ दे, जल से ही दे और हर किसी व्यक्ति को अर्घ देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।